भाई आज की वीडियो मेरी इस वाले हाईवे की यहीं तक ही होने वाली थी। बाकी अभी मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ दिल्ली तक, दिल्ली जा रहा हूँ भाई, दिल्ली की तक की भी एक वीडियो बना दूंगा ऐसे मैंने सोच रहा था। और भाई साहब आगे से आ रहे हैं लोग बाग, भाई ने ले लिया साइड। बाकी इस रूट के जो मेरे हरिद्वार हाईवे है ना, मैं आपको मुजफ्फरनगर से अपडेट देता हूँ। ऐसे अब शुरू से इस वाली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आपको ना मुजफ्फरनगर से और दिल्ली तक का पूरा रूट दिखा देता हूँ। तो ये मुजफ्फरनगर का ही एरिया है पूरा, वैसे तो मेन मुजफ्फरनगर कह सकते हैं यार, मेन चौराया मतलब आगे ही था। यहाँ से चढ़ता हूँ हाईवे पे और यहाँ से शुरू करते हैं अपनी मुजफ्फरनगर टू दिल्ली की वीडियो। और हाईवे की अपडेट देता हूँ भाई, कैसा हाईवे है ये भाई, काम मांग रहा है ये हाईवे। तो अभी मैं चल रहा हूँ NH 58 का बोर्ड आपने सामने की तरफ देखा। चलते हैं भाई, चलते हैं और ओवरटेक करते हैं भाई को। भाई क्या कर रहा है? तो देखो भाई यहाँ पे सामने की तरफ आप देख रहे हैं गड्ढे वड्ढे आ रहे हैं और गड्ढे वड्ढे भी अब सही हो रहे हैं, ऐसा नहीं छोटे मोटे गड्ढे हैं, सही गड्ढे हैं भाई। और बीच बीच में आपको इस तरह के गड्ढे दिखते रहेंगे। और बाकी यहाँ अब जो सीधा टोल पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है आपका मोदीपुरम पे, जो कि 110 रुपये का वहाँ पे टोल कटेगा। और भाई वो टोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा चलो मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कई बार सोचा इसके बारे में वीडियो वगैरह बनाऊँ लेकिन मैंने वीडियो बनाई नहीं। तो उसके उस टोल के बारे में ना भाई एक चीज़ है, नॉर्मली आप किसी भी नेशनल हाईवे पे चल रहे हो और आप किसी टोल को 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से क्रॉस करते हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि सामने एक टोल है मान लीजिए, उस टोल को आपने क्रॉस किया और विद इन 24 आवर्स आप उस टोल से वापस जा रहे हो, तो आपका जो टोल कटना चाहिए ना, जैसे लेट्स सपोज 100 रुपये का टोल है, तो आते वक्त वो टोल 100 से कम का कटना चाहिए, यानी कि 50 रुपये या कुछ भी हो सकता है लेकिन 100 से कम होना चाहिए। लेकिन जो वो मोदीपुरम वाला टोल प्लाजा है ना जिसका नाम है शिवाय टोल प्लाजा, उस टोल पे क्या सिस्टम है भाई, आप चाहे 24 घंटे के अंदर आओ चाहे 5 मिनट के अंदर आओ, वहाँ पे आपका 110 रुपये ही कटता है दोनों साइड से। अगर किसी को भाई ऐसा लग रहा हो कि ये तो भाई ऐसी बोल रहा है फालतू की बातें, तो मैं ना पुराने अपने रूट में ना आपको पुरानी स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करके दिखा दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे टोल कितना कटता है। 110 जाने का ही कट रहा है, 110 आने का भी कट रहा है, पता नहीं क्यों यार इसी टोल प्लाजा पे है। अगर मैं यहाँ से आपका हरिद्वार तक जाऊँगा ना तो आगे 2 टोल प्लाजा पड़ेंगे, दोनों टोल प्लाजा पे ऐसा नहीं है। अगर मैं 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों टोल प्लाजा को कवर कर लेता हूँ ना तो टोल कम ही कटता है, लेकिन उस टोल प्लाजा पे पर्टिकुलर टोल प्लाजा पे ना पूरा टोल काटते हैं 110 रुपये। और वहाँ पे ना कई बार मेरे साथ सीन हो चुका है, मतलब कम से कम 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि टोल को क्रॉस किया है, 1-2 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आता है कि आपके फास्टैग से 500 रुपये कट गए या इतने मतलब मोटा अमाउंट कट गया है जो नहीं कटना चाहिए। एक बार तो 510 कटे थे और एक बार कुछ 300 कुछ कटे थे। फिर भाई मैंने कंप्लेन वगैरह करी, उसके लिए जो मेरे केस में प्रोसीजर था भाई, मेरा ICICI बैंक का फास्टैग है तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करी तो उन्होंने बताया कि ये आपके अकाउंट से गलत कट चुके हैं, तो आप एक सेकेंड, ये आपके अकाउंट से गलत कट चुके हैं तो आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक वो पोर्टल वगैरह बताते हैं, वहाँ पे जाके कुछ डिटेल वगैरह फिल करनी होती है जिसमें आपको गाड़ी की चारों तरफ की फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी होती है, RC की फ़ोटो अपलोड करनी होती है, उसमें फिर आपको रीज़न डालना होता है जैसे रॉन्ग डेबिट या मिस्टेक वगैरह, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। सिलेक्ट करने के बाद भाई आपकी कंप्लेंट चली जाती है और उसमें ना ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है, वैसे वो कहते हैं 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन मेरे केस में दोनों बार उसी पर्टिकुलर टोल प्लाजा पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शिवाय टोल प्लाजा जो कि मोदीपुरम में आने वाला है, अभी दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे हुआ है। दोनों बार भाई मोटा टोल काट गया था और 1 महीने के बाद रिफंड आ गया था, लेकिन भाई वैसा क्यों हुआ, हमारे को तो परेशानी होती है ना। एक तो यार आप 110 रुपये का टोल है, आने जाने में विद इन 24 आवर्स भी आप पूरा टोल काट रहे हो, ऊपर से पता नहीं क्या सिस्टम होता है उसी टोल प्लाजा पे, क्यों होता है। आज तक भाई मैं इतना ट्रैवल करता हूँ कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि टोल गलत कट गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन उस पर्टिकुलर टोल प्लाजा पे ही ऐसा होता है। और आप कोई सोच रहा हो यार उस टोल प्लाजा की बुराई कर रहा है या नेगेटिविटी फैला रहा है, भाई मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मेरे साथ जो हुआ है ना मैं आपके साथ बस वो शेयर कर। तो भाई पीछे क्या हुआ भाई, फोन की मेमोरी हो गई फुल, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था यार, सब भूल गया। खैर फिर से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। और मैं बस ये कह रहा था भाई टोल टैक्स की, मैं कोई टोल टैक्स के बारे में मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दी, बाकी आप भी के साथ भी अगर ऐसा हुआ है ना भाई कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ डबल टोल कटा है या कुछ इस तरीके का, उस पर्टिकुलर टोल प्लाजा की बात करना। बाकी तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। और भाई इस वाले हाईवे पे जो मेरठ हरिद्वार हाईवे है जिस पर भी मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है भाई गड्ढे वगैरह को ना थोड़ा सा भरा गया है, वहाँ पे ना थोड़ी सी चेप भी लगा दी गई है, यहाँ
सिंपल आप समझ जाएंगे गड्ढे भरना मतलब क्या होता है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा था भाई, भर दिया उसको काम चलाऊ करने के लिए, लेकिन रोड की कंडीशन तो खराब है। बाकी पीछे ना काफी पानी भरा हुआ था, वीडियो बना रहा था यार, वीडियो मेमोरी फुल हो गई तो वीडियो नहीं बन पाई। वैसे अगर किसी को नहीं पता तो इस रूट पे भी स्पीड कैमरास लगे हुए हैं और मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करता हूँ। बाकी आप सामने की तरफ देखिए यही स्पीड कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, और इनमें से ज्यादातर वर्किंग है भाई। आज तो स्पीड नहीं दिखा रहा है लेकिन नॉर्मली यहाँ पे स्पीड दिखाता है। वैसे यहाँ स्पीड लिमिट जो है वो 80 किलोमीटर की है, कहीं बोर्ड आएगा तो दिखा दूंगा। तो सामने की तरफ आ चुका है टोल प्लाजा, ये वही टोल प्लाजा जिसकी मैं बात कर रहा था, और दिखा रहा है भाई 500 मीटर पे है। चलो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना टाइम लगता है। और अभी तो लगता नहीं, दोपहर का टाइम है, कितने बजे अभी 2:30 बज रहे हैं भाई, 2 बज रहे हैं, 2 बजे के टाइम पे कितनी भीड़ होती है। नहीं वैसे आज संडे का दिन है, और चलते हैं देखते हैं भाई भीड़ लग रही है। हाँ भाई हमेशा की तरह भीड़ तो लगी रही है। चलो भाई चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। भाई देखा आपने, कोई खास गाड़ियां नहीं थी लेकिन यहाँ पे फिर भी लाइन लग रही थी। और मैंने जब गाड़ी पीछे ली ना उस टाइम भाई टोल का कर्मचारी आया था और उसने कहा भाई पीछे ले लो इशारे से, तो मैंने गाड़ी पीछे ली थी। नहीं तो मैं वहीं खड़ा रहता ना भाई, हो जाता आधा घंटा भाई, मतलब ही नहीं है निकल जाओ। पता नहीं कैसा टोल प्लाजा यार, टोल तुम पूरा काट रहे हो भाई, कोई ध्यान भी तो नहीं देता ना, क्या कर सकते हैं। खैर मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी के खिलाफ कुछ कहना या नेगेटिविटी फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी। चलते हैं आगे की तरफ भाई, दिल्ली जाना है अभी, और दिल्ली अभी दूर है भाई, दूर है। अभी तो मोदीपुरम ही आया है और फ़ोन की मेमोरी भाई फुल हो गई, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बीच में कई बार ये बंद हो चुका है। तो सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये है मेरठ एक्सप्रेसवे का रेस्ट एंड सर्विस एरिया, और यहाँ पे सीएनजी पंप भी अब वर्किंग में है, यानी कि अगर आपको सीएनजी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, भरवा सकते हैं अपनी गाड़ी में। बाकी आज की वीडियो को लेता हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को मैंने यहाँ पे एंड इसलिए कर दिया क्योंकि फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी और कुछ डिलीट करने के लिए था नहीं, तो मैं आगे तक वीडियो नहीं बना पाया। बाकी अगर आपको मेरठ एक्सप्रेसवे की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।